हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। और ये जो वैकेंसी, ये परमानेंट वैकेंसी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आया है वो असम यूनिवर्सिटी सिलचर से आया है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड, तो ये है 8 दिसंबर अप टू 5 PM। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर यहाँ पे मैंसन कर रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, एप्लीकेशन फी पेमेंट की और एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने की। ठीक है, अब देखिए इन्होंने और जो यहाँ पे चीज मेंशन कर रखी है वो लास्ट डेट फॉर सबमिशन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एनक्लोजर। तो आपको जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने की या सबमिटेड सबमिट करने की, सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जो इनक्लोजर्स रहेंगे उनकी जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे 1000 रुपीज जो है वो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है एप्लीकेशन फी है। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरी नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फी, तो उनके लिए कोई भी फी नहीं है। अब देखिए, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिलअप कर सकते हैं www.aus.ac.in पे जाके, जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पोस्ट की। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट है प्रोफेसर, ग्रुप बी की एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रुप सी की असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ यहाँ पे एकेडमिक लेवल 14, 13A और 10 जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ सब्जेक्ट की। तो देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, बंगाली, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इकोलॉजी, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। साथ में यहाँ पे पोस्ट कोड भी मैंसन कर रखा है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मैंसन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें लाइफ साइंस की, तो यहाँ पे देखिए 1 SC के लिए पोजिशन है। अगर सपोज हम फॉर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ 1 OBC की है, संस्कृत में 1 EWS की है, लाइफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 अनरिजर्व की है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के एलिजिबल हैं और जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सारी वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक ये जो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट बहुत ही लंबा, 174 पेजेस का, तो मैं आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ ही यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, आपने आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन उसे उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, और आपको भेज देना है असम यूनिवर्सिटी AUS में। ठीक है, और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करना जो है मस्ट है, और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फी जो है उसका जो प्रूफ भेजना है, और साथ ही साथ जो भी आपके जो टेस्टिमोनियल है वो सारा जो है आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो इसे ये सब मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप जो ये एडवर्टाइजमेंट से इसे डिटेल में भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे तो आपको NOC यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में दे रखा है, इसलिए मैं आपसे बस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही डिस्कस करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वाइज जो है पोजीशन भी मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेसर 1 ST, तो ऐसे करके देखिए, फार्मास्यूटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 OBC में, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 EWS में, फार्मास्यूटिकल साइंस में जो वैकेंसीज को निकाला गया, तो ये सब जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई हिंदी में दे रखा है, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पे मैट्रिक्स में यहाँ पे मैंसन कर रखी है कि आपको क्या क्या पे मैट्रिक्स मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 15,600 to 39,100, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 37,400 to 67,000, सीनियर प्रोफेसर के लिए 67,000 to 79,000 का जो है यहाँ पे आपको पे बैंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड है कि आपका जो क्या क्या आपका PG डिग्री में होना चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो चलिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेनली आपका होगा API इंडेक्स के बेस पे, तो API इंडेक्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा और उस API इंडेक्स के बेस पे ही आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप जो है API इंडेक्स जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे जो API इंडेक्स
मेंशन कर रखा है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जो है आपका एपीआई इंडेक्स डिफरेंट रहेगा, अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का एपीआई इंडेक्स जो है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वो अलग रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर बाकी ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर अगर आपके पास 80% एंड अबव है तो यहाँ पर 15 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर 60% टू 80% तो 13, 55% टू लेस देन 60% 10, अगर 45% टू लेस देन 55% तो 5, पीजी में 80% अबव 25। तो देखिए ऐसे ही जो है यहाँ पे आपका जो डिफरेंट डिफरेंट स्कोर है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपने एमफिल किया है अगर आपका 60% अबव मार्क्स है तो 7 मार्क मिलेगा, स्कोर आपका 55 टू 60% के बीच है तो 5। वहीं पीएचडी में अगर आपके पास है 30, नेट विद जीआरएफ है 7, नेट 5, स्लेट या सेट 3। अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो 5 रिसर्च पब्लिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं और ईच रिसर्च पेपर विल बी हैविंग 2 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका 5 रिसर्च पेपर है तो। अगर आपका टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 10 है, मतलब अगर आपने 5 ईयर पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस किया है तो आपको 10 मार्क्स 10 स्कोर पूरा फुल मिलेगा। अगर आपने कहीं 5 ईयर टीचिंग की तब भी यहाँ पे आपको 10 स्कोर फुल मिलेगा। आप कहते थे अवार्ड्स की, अगर आपके पास इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड दिया तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, एमफिल में पीएचडी आपके पास है 30 मार्क्स, जेआरएफ नेट सेट है तो 7 मार्क्स, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स है। तो यहाँ पे एकेडमिक स्कोर आपका 80 हो जाएगा, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल आपका 100। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए इन्होंने कॉलेजेस में की है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको स्कोर दिया जाएगा, एमफिल पीएचडी नेट विद जेआरएफ नेट स्लेट सेट, तो सबका जो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पे मैक्सिमम जो 6 मार्क्स आपको दिया जाएगा, वहीं अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में तो आपको वहाँ पे 10 मार्क्स था। यहाँ पे आपको जो है अपना 3 पब्लिकेशन मैक्सिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको 6 पब्लिकेशन मतलब 6 स्कोर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम पब्लिकेशन जो है वो 3 है और जो मैक्सिमम स्कोर है वो 6 है, तो आपको अपने कोई भी 3 जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे देखिए आपको एम फिल पी एच डी 25 मार्क, जी आर एफ नेट से 10 मार्क, इन अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क। तो यहाँ पे आपका एपीआई इंडेक्स बनेगा, एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल 100 जो है वो रहेगा आपका एकेडमिक स्कोर। ठीक है, तो इस बेस पे जो है आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी एपीआई इंडेक्स की फॉर्म पे, आपकी एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा और आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी लाइक डाउट है इन पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।